हम अहले बसारत को तू अहले बसीरत कर, सिर्फ आंख के होने से आती नहीं बिनाई। तेरे अतवार जो बदले हैं असर, किसका है तू जो घायल हुआ है, तीरे नजर किसका है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज इदारा-ए-तर्बियत-ए-इस्लामिया जिलावतों की जानिब से महाना मुशायरा मुनक्किद किया गया है। इस मुशायरे की सदारत को कियादत करने वाले सदर इदारा मोहतरम मुकाम नवाज खान नवाज साहब को मैं शर्मनशीब की जानिब मनु करता हूँ कि वो आए और इस शर्मनशीब की जिनत बने रहे। और इनके साथ साथ आज के इस बस में तशरीफ फरमा सेक्रेटरी मेरे अजीज आसिफ वासिफ साहब से मैं उनका भी स्कूल की वॉशिंग मशीन पर तशरीफ भाई मुझे समय बिला किसी ताखिर के मुशायरे का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर जबान अता की है तो सदा भी देना, वगर ना हरफे गलत की तरह मिटा भी देना। तमाम उम्र सफर ही मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी देना। उड़ने का हौसला वो जाते करीब जो इस सारे जहां को इस सारे जगह को बनाने वाला, मुझे और आपको पैदा करने वाला, सारी कायनात का मालिक, जिसके कलाम पाक से मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है, जिसके लिए मैं हाफिज यरगटी साहब से मुंतबिसों के मुआए तिलावत कलाम पाक से आज के मुशायरे का आगाज करें। सहर होते ही शाहों पर इबादत जाग जाती है, सहर होते ही शाहों पर इबादत जाग जाती है, परिंदों को परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। माइक पर जाकिर यरगटी साहब। अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل क्या तुमने नहीं देखा दरिया की रवानी में बहते हुए पानी में तैरती को उत्साह है। अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, अजमत से ने जिस घर की हिफाजत की वो घर भी तो उसका है। तो आइए अल्लाह ताला की नसीब तारीफ करने के लिए
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम्द सना रब्बुल आलमीन की शान। सुन ले दुआ है खुदा, दो जहां वाले दिल के जरा सुन सदा, लामकां वाले सुन ले दुआ ऐ खुदा, दो जहां वाले है खुश नसीब हम तो दर पर जो तेरे आए हैं, खुश नसीब हम तो दर पर जो तेरे आए, घेरे हुए हैं हमको तेरी रहमतों के साए, घेरे हुए हैं हमको तेरी रहमतों के साए, तू बख्श देना हमको ऐ आसमान वाले, सुन ले दुआ ऐ खुदा, दो जहां वाले कुल कायनात में है तेरा जमाल या रब, हर शर व खैर में है तेरा कमाल या रब, हर शर व खैर में है तेरा कमाल या रब, हमें शर से तू बचा ले ऐ आन बान वाले, सुन ले दुआ ऐ खुदा, दो जहां वाले तेरा नाम मेरे मौला विरदे जुबां हो हरदम, तेरा नाम मेरे मौला विरदे जुबां हो हरदम, सांसे ये मेरी मौला तेरे जिक्र में हो हरदम, सांसे ये मेरी मौला तेरे जिक्र में हो हरदम, अनहद है जात तेरी आला कुरान वाले, सुन ले दुआ ऐ खुदा, दो जहां वाले तेरी याद को संभाले, जीना है हमको हरदम, तेरी याद को संभाले, जीना है हमको हरदम, बेकार वसवसों से रखना तू दूर हरदम, बेकार वसवसों से रखना तू दूर हरदम, तेरी याद दिल में भर दे कलमे की शान वाले, सुन ले दुआ ऐ खुदा, दो जहां वाले ईमान रहे सलामत, खादिम की जान है जब तक, ईमान रहे सलामत हम सब की जान है जब तक, तेरे दर पे सर झुकाऊं सांसें चलिए तब तक, महशर में लाज रखना हर नफस की जान वाले, सुन ले दुआ
ए खुदा दो जहां वाले। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम गाली गाना पेश कर रहे थे इमरान खानी साहब। तो ये खुदाए बुजुर्ग की हम तो सना के बाद उस मालिक दो जहां की बड़ाई और की बेरिंग के बाद अब मैं चाहता हूं कि उस जात अजीम की खिदमत में नाम का नजराना पेश किया जाए। तो उससे कबल से मैं नायब सदर इदारा डॉक्टर अमीरुद्दीन काजी अमीन साहब को मैं पदोकर्ता पेश नशीन बना है। मेरी बात हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका नजराना पेश करने के लिए मैं अय्यूब तरफ साहब को मदद करता हूँ कि वहाँ हैं बारगाह रिसालत से अकीदत के भूल चुके जो मादर अर्जो समान ताफत हुई दावत हुई रश्मि बदल नूर खुदा इंसान हुई इंसान हुई मन नासिम मन आजिज़म मन बेकसम हाले भरा या शाफ़ है रोज़े जज़ा भूसा हुई सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहे मुंतजर रह जाए और दीदार हो जाए। तसव्वुर में तेरी हर शे पे यूं नजरें जमाता हूँ। तसव्वुर में तेरी हर शे पे यूं नजरें जमाता हूँ। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप जानते हैं हर माह हमारा मुशायरा मुनाकिद होता है और सामाइन शोरा के अलावा जो है जो हमारे मेहमान हैं वो अपने वक्त को बाला ताक रख कर हमारे दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। आज के इस मुशायरे में सदर की नशिश संभाले हुए मेरे अज़ीज़ रफ़ीक और इदारा अदब इस्लाम महंद बिजापुर के सदर अली जनाब नवाज खान नवाज साहब जो इस मुशायरे को मुनाकिद किए हैं और इस मुशायरे की जान हैं, आप अपने तमाम तर औकात को बाला तक रख कर यहाँ पर अपना वक्त हमारे लिए मुख्तस कर रहे हैं और मुशायरों को कामयाब बनाने में जो है
तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं और आज के इस मुशायरे के सदर भी हैं। मैं अपनी जानिब से इदारा अदब की जानिब से आपका पुरखलुस इस्तकबाल करता हूँ। इसके अलावा जो है आज के हमारे मेहमान जो कि इदारा अदब इस्लाम हिंद के नायब सदर हैं, मेरी मुराद है डॉक्टर अमीरुद्दीन अमीर काजी साहब, जिनका पिछले ही मुशायरा में एन सहलसानी मुशायरा हुआ था जहाँ पर उनकी किताब का इजरा भी अमल में आया, साहब किताब हैं। मैं हमारी दावत पर यहाँ पर आपने अपने आप को पेश किया, यहाँ पर तशरीफ़ लाया, आपकी आमद पर डॉक्टर साहब अमीरुद्दीन अमीर काजी साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। इसके अलावा जो है बिलखसूस हमारे शुरा कराम जो बेहतरीन कलाम के साथ हम सबको महजूज करते हैं, जिस मकसद के लिए इदारा अदब कायम किया गया है उसको बरवाकार लाने में हतुल इम्कान कोशिश करते रहते हैं और अपनी शायरी महज लुत्फानंदोज ही का नाम नहीं बल्कि तफरी का नाम नहीं बल्कि एक पैगाम जो शायरी के ज़रिए अवाम तक पहुंचाना है उसको पहुंचाने का काम करते हैं और हमारे दावत पर यहाँ पर अपने तमाम तर मसरूफियात को बालाता रखते हुए हमारे शुरा कराम यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। मैं तमाम शुरा कराम का भी जो है इस आज के इस मुशायरे में पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ और बिलखसूस इसके अलावा जो हमारे शहर बीजापुर न है बल्कि आज कर्नाटक के एक निज़ामत नाजिम के हैसियत से जो अपनी बात दुनिया को बता चुके हैं कि निज़ामत कैसे करते हैं, निज़ामत करने का तरीका क्या है, इस फन से वाकिफ़ इस फन के माहिर मेरे मुराद जो है जनाब सैफ औटी साहब मेरे रफ़ीक मेरे साथी जो अपने तमाम तर मसरूफियात को बाल तक रखते हुए हमारे सिर्फ एक दावत पर निज़ामत के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपके इस कुर्बानी पर आपके इस शफकत और आपके इस वक्त जो इसके लिए आप इदारे अदब के लिए मुख्तस किए हुए हैं मैं आपका भी जो है यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। और इसके अलावा जो है हमारे सामाइन आज कली भी सही लेकिन बाज़ोक सामाइन जो है हर वक्त हमारे मुशायरे में शरीक रहते हैं जिसमें मैं एक नाम लूँगा तो वो हमारे एस के साहब हैं जो जब भी इस तरह के मुशायरे मुनाकिद होते हैं जो सही शायर होता है कलाम में जिसके ज़ोर रखता है उसके हर शेर पर दाद भी देते हैं। ऐसा कोई शायर अपने कलाम से आज तक यहाँ पर बगैर दाद के नहीं गया जो अपना सही कलाम लोगों तक पहुँचाता है और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, सामा इनको अपनी तरफ खींचता है, हर शेर जो है यहाँ पर एस के साहब की जबान के तहत जो है दाद का शेर बन जाता है। मैं एस के साहब और तमाम सामा इनका भी जो है आज के इस मुशायरे में पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। समय निकराम जैसे हम जानते हैं कि हमारे मुशायरे महज तफरी का ही ज़रिया नहीं होते, यहाँ पर तफरी के साथ साथ जो है एक पैगाम होता है जो सामान्य तक अवाम तक पहुँचाना है। ये मुशायरे कुछ साल तक जो है सिर्फ इस हॉल तक इस हॉल में मौजूद सामाइन तक ही मुख्तस होते थे लेकिन आज ये मुशायरे जो हैं यूट्यूब के ज़रिए सारी दुनिया आज इन मुशायरों को देख रही है, आपके कलाम से महसूस हो रही है, जो भी कलाम आप पढ़ रहे हैं ये कलाम सिर्फ इस हॉल तक ही महदूद नहीं है। आप ये जान लीजिए ये मुशायरे दुनिया के कई ममालिक में देखे जा रहे हैं, अमेरिका में तक देखे जा रहे हैं, कैनेडा में देखे जा रहे हैं, पाकिस्तान और दीगर जो भी ममालिक हैं हमारे जहाँ पर उर्दू जानते हैं इन तमाम ममालिक में मुशायरे देखे जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर कलाम पेश करते हुए जो है दुनिया में अपने आप को आप अपने कलाम के ज़रिए पहचाने जाएंगे। तो हमारा जो मकसद है ये तामीरी अदब है, लोग जो हैं हम कई मुशायरों में यहाँ पर इश्क मोहब्बत की बातें तो करते हैं लेकिन हमारा इश्क जो है यहाँ पर हकीकी इश्क है जो इश्क इलाहे से मंसूब है। हमारा जो मुशायरे हैं ये कुरान का पैगाम है जो लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमें कुरान क्या सिखाता है। कुरान जो है जमालियत के जो उसलूब हैं उसके आला मिसाल है। जमाल सिर्फ जो है आँखों की नज़र आने वाली जो चीज़ें जो इंसान को मनफी सोच तक महदूद करते हैं वो जमाल नहीं है, जमाल जो है आफाकी है।
इसको अगर हम समझेंगे, इस फलसफे को समझेंगे, तो हमें पता चलता है कि जमाल क्या है, हुस्न क्या है, इश्क क्या है, इश्क किस तरह का होता है, इश्क हकीकी क्या है, इश्क मजाजी तो जो है एक बस नाम है। ये तमाम बातें जो हैं हम अपने शोरा इकराम के ज़रिए जो हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इदारा जिस मकसद के लिए काम किया गया है, आप शोरा इकराम इसे बरकरार रखते हुए यहां पर आने वाली नस्ल के लिए अपनी एक मिसाल कायम करते हुए अपने आप को यहाँ पर एक पैगाम पैगंबर की सूरत में आप अपने कलाम को पेश करते रहेंगे। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप तमाम का फिर से इस्तकबाल करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। वाखिर दाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिला किसी तारीख के उस सफर की जानी नहीं होंगे रमादा बाबू के जिस सफर के मुंतजर हुए हैं। ये सारे सामाई जो सूरते तलवार बैठे हैं, ये सारे सामाई सूरते तलवार बैठे हैं, कफन बांध के हम भी तैयार कर लिया जो अपने पूरे दिल से, क्या बात है, जो अपने पूरे दिल से शायरी शायरी लिख कर लेकिन सल्तनत ही है और कायमत है सल्तनत रहेगी इंशाल्लाह। तो आइए समय मैं इशारतन आपके सामने बातें किया, आप पहुंच चुके हैं मुझे पता है, क्योंकि आपकी परेशानियां से जाहिर हो रहा है कि वाकई में अजनबी बहरी मरकी की गई है, वाकई में उर्दू जबान को समझने की सलाहियत रखने वाले अशखास यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मुझे पता है क्योंकि मैं अदन से तालिबे इल्म हूँ। और उसके आप अच्छा साहब हम यहाँ मुशायरे कर रहे हैं और आप दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाने बजाने खुदा का देख रहा है, इसके साथ तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मुशायरा मजेदार रहेगा। तो ये मुझे समय बिना किसी ताकीद के मैं सबसे पहले शायर आज के ओपनर मुजीब मुंतकिर साहब को अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। माइक पर मुजीब मुंतकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा पैसा सो एक गजल का एक पतला है, आसिफ जनाब आसिफ साहब के नजर है। तुझसे है मेरी निस्बत और तेरे इदारे से, तुझसे है मेरी निस्बत और तेरे इदारे से, जान भी करूं हाजिर एक तेरे इशारे से। तुझसे है मेरी निस्बत और तेरे इदारे से, जान भी करूं हाजिर एक तेरे इशारे से। मैं तेरी मोहब्बत में दिल फिगार करता हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में दिल फिगार करता हूँ, हाल तो जरा कर पूछ दिल के मारे से, जेर और जबर कोई, जेर और जबर कोई पेशगर सताए तो, जेर और जबर कोई
पेशगर सताए तो रास्ता सही कोई ढूंढ लो सिपारे से रास्ता सही कोई ढूंढ लो सिपारे से ख्वाब में बचाता हूँ डूब जाने वालों को ख्वाब में बचाता हूँ डूब जाने वालों को और वही हकीकत में डरता हूँ किनारे से और वही हकीकत में डरता हूँ किनारे से जान मक्ते का शेर जान अपनी देने को अब मुजीब आया है जान अपनी देने को अब मुजीब आया है इम्तिहान और कितना लेगी अपने प्यारे से इम्तिहान और कितना लेगी अपने प्यारे से इम्तिहान की बात कर रहे थे हर एक लफ्ज के तैवर भी कुछ और होते हैं हर एक लफ्ज के तैवर भी कुछ और होते हैं तेरे नगर के सुकनवर की कुछ और होते हैं तुम्हारी आंखों में वो बात नहीं है दोस्त डूबने वाले समंदर ही आइए समय बस इसी है हंसते हंसाते हुए मजे के साथ लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अगली आवाज में बहुत ही खामोश मिजाज की शख्सियत जब माइक पर आती है तो धमाका मचाती है मेरी मुराद है रिजवान अहमद रिजवान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से महसूस करवाए माइक पर रिजवान अहमद रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम चंद अशआर मौजूदा हालात पर गोलियां चली पत्थर बरसे उजड़े घर किसकी नादानी से गोलियां चली पत्थर बरसे उजड़े घर किसके नादानी से शहर मोहब्बत पूछ रहा है गलियों की खामोश वीरानी से शहर मोहब्बत पूछ रहा है गलियों की खामोश वीरानी से पहुंच के आंसू अब देख रहा है दामन को हैरानी से पहुंच के आंसू अब देख रहा है दामन को हैरानी से शायद इन्हें मालूम नहीं ये आग लगी है पानी से पहुंच के आंसू अब देख रहा है दामन को हैरानी से शायद इन्हें मालूम नहीं ये आग लगी है पानी से जाने कब कश्ती डुबो दे और वो दुश्मन हो जाए तवज्जो चाहूंगा जाने कब कश्ती डुबो दे और दुश्मन हो जाए डर है तो फक्त मल्लाह से हमको खौफ नहीं तुग्यानी से मल्लाह से डर है तो बस मल्लाह से खौफ नहीं हमको तुग्यानी से अब चंद ताज़े गजल के अशआर एक हादसा पेश आया जिंदगी में मेरी एक हादसा पेश आया जिंदगी में मेरी शहर की हर गली में है अब गुफ्तगू मेरी एक हादसा पेश आया जिंदगी में मेरी शहर की अब हर गली में है गुफ्तगू मेरी जब से हुआ हूँ असीर जाना शख्सियत का तुम्हारे जब से हुआ हूँ असीर जाना तवज्जो चाहूंगा जब से हुआ हूँ असीर जाना शख्सियत का तुम्हारी उस लम्हे को कोसती रहती है ये जिंदगी मेरी जब से हुआ असीर जाना शख्सियत का तुम्हारी उस लम्हे को कोसती रहती है ये जिंदगी मेरी मैं अब वो नहीं के बनाऊं मंजिल रहबर
अब मैं वो नहीं कि बनाऊं मंजिल रहबर, हर कोई नजर में आता है रहजन मेरी। आखिरी एक शेर, मम्मा बनकर हो जाऊंगा रूपोश, मम्मा बनकर हो जाऊंगा रूपोश, तमाशाई बनकर लोग तलाश कर लेंगे मेरी। सलामुअलैकुम। अभी फिर MP इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, उसके सिलसिले में ओटू नमगे यंदु, ओटु नमगे यंदु नोटु हिड़िदु बरुत्तारे इरली अच्चर, ओटु नमगे यंदु नोटु हिड़िदु बरुत्तारे इरली अच्चर, आशे तोरिसुत्ता कनसिन कुदरे तरुत्तारे इरली अच्चर, आशे तोरिसुत्ता कनसिन कुदरे तरुत्तारे इरली अच्चर, कुकर मिक्सर सीरेगागी मारी कोल्लदिरी तन्न तनवनु, कुकर मिक्सर सीरेगागी मारिकोल्लदिरी तन्नतनवनु, मारिकोंडरे घनतेगे धक्के तरुत्तारे इरली अच्चर, मारिकोंडरे घनतेगे धक्के तरुत्तारे इरली अच्चर, मतदान माडलेबेकु, मतदान माडलेबेकु विवेचनेयिंद नावेल्ल, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವಂಚನೆಗಳ ಜಾಲ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವಂಚನೆಗಳ ಜಾಲ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವ ಇರಲಿ, ನಯವಂಚಕರು ಮನೆ ಮನ ಒಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ನಯವಂಚಕರು ಮನೆ ಮನ ಒಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ದೇಶದುನ್ನತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇರಲಿ, ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇರಲಿ, ಗೋಸುಂಬೆಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ಗೋಸುಂಬೆಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಮರುಳಾಗದಿರಿ ಎನ್ನುವ ಸಾಹೇಬ್, ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಮರುಳಾಗದಿರಿ ಎಂದೆನ್ನುವ ಸಾಹೇಬ್, ನಮ್ರರಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ನಮ್ರರಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ। ये जो तनवीर मुझे अरसू नजर आती है, ये जो तनवीर मुझे अरसू नजर आती है, रोशनी है ये मोहब्बत की जो लहराती है,
ये जो तनवीर मुझे हर सू नजर आती है, कितना पुर कैफ ये आलम तन्हाई है, कितना पुर कैफ ये आलम तन्हाई है, तेरी तस्वीर तसव्वुर में उतर आती है, तेरी तस्वीर तसव्वुर में उतर आती है, रोशनी है ये मोहब्बत की जो लहराती है, ये जो तनवीर मुझे शराब-ए-इश्क मयसर हो गए एक बूंद मुझे, शराब-ए-इश्क मयसर हो गए एक बूंद मुझे, ये मुर्दा जिस्म में फिर रूह उतर आती है, ये मुर्दा जिस्म में फिर रूह उतर आती है, अब ये पैमाना हयात है लबरेज मेरा, अब ये पैमाना हयात है लबरेज मेरा, जिंदगी फिर भी मेरी मौत से टकराती है, जिंदगी फिर भी मेरी मौत से टकराती है, साथ रहता है हर वक्त गमों का साया, साथ रहता है हर वक्त गमों का साया, फिर भी उम्मीद हमेशा मुस्कुराती है, फिर भी उम्मीद हमेशा मुस्कुराती है, अपना तर्ज अमल भी जरा संवार तो लो, अपना तर्ज अमल भी जरा संवार तो लो, वरना ये दुनिया मेरी मुझसे बिखर जाती है, वरना ये दुनिया मेरी मुझसे बिखर जाती है। मैं मक्के पर आया हूँ, नित नई खूबियां ढूंढ खादिम तू, नित नई खूबियां ढूंढ जरा खादिम तू, कुछ तो मिल जाए जो ये दिल में उतर जाती है, कुछ तो मिल जाए जो ये दिल में उतर जाती है, रोशनी है ये मोहब्बत की जो लहराती है, ये जो तनवीर मुझे हर सू नजर आती है। बहुत अच्छे साहब, अपनी
इस कलाम में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो मैं इश्क की बातें कर रहे थे, वाकई में इश्क है हकीकी की मैं समझता हूँ ये बात कर रहे थे, क्योंकि इश्क ही है जो दुनिया में दुनिया को जुड़े हुआ है। सिर्फ एक इश्क हम समझ रहे हैं कि वो दुनियावी इश्क है नहीं, बल्कि हकीकी इश्क है, वो इश्क ही है जो ईशा के वजूद से फजर की नमाज पढ़ाता है, वो इश्क है जो इन्होंने बात कर रहे थे। तो आइए मैं बिना किसी बैठक के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं एक बहुत ही तजुर्बेकार शख्सियत, वाकई में आप मैं मुबारकबाद का भी आप सब तमाम पिछले एक घंटे से जो है आप बैठे हुए हैं, मैं आपसे मंजूर शाकिर हूँ। एजुकेशन का कुल मतलब है तीन सी अगर किसी इंसान के पास है तो वो एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है। एक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है क्रिएटिविटी और तीसरा है कैरेक्टर। हम समझते हैं कि सिर्फ दिमाग जवाब और जो गलत कामें हैं वो कैरेक्टरलेस चीजें हैं, लेकिन नहीं, वो एक जुज़्वी है, एक जुज़ है। अखलाक का पूरा जो मतलब ये है कि इंसान किसी काम को मुकम्मल तौर पर, अपने फर्ज को मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज में से पूरा करता है तो वो भी एक अखलाक है, वो भी कैरेक्टर है। तो लिहाजा बहुत लंबी बात होगी, मैं इशारा आपके वो से गुजार किया। तो वाकई में आप जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सुन रहे हैं, इधर अदब में जो है मैं समझता हूँ कि सिर्फ अदब वाले लोग यहाँ बुलाते हैं, और अदब ही है तो ठीक चलाना है, और अदब अंदर होता है तभी यहाँ आते हैं। तो वाकई में बहुत ही हम इधर की जानिब से मशहूर और शाकिर हैं आपके कि आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सुन रहे हैं। तो अगली आवाज में जो है नजीर गाजी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि परम दयामयनु करुणालु आद आ अल्लाहन नामदिंद सी इवत्तिन जीवन शाश्वतवल्ल तम्मेल्लरिगू गोत्तिदे ಹುಟ್ಟಿದವ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ರೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಭಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಾನುಪಮ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಟಿದವ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಇದು ಶತಸಿದ್ಧ ಕುರಾನ್ ಕುಲ್ಲು ನಫ್ಸಿನ್ ಜಾಯಕತುಲ್ ಮೌತ್ ಹರ್ ಜಾನ್ದಾರ್ ಚೀಜ್ಗೂ ಮೌತ್ ಕಾ ಮಜಾ ಚಕನಾ ಹೇ ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬೇಡಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ ಮೇಲಿದೆ ಮರೆತರೆ ಹೇಗಣ್ಣ ಮೂರು ದಿನದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಗತಾ ಇರುವಣ್ಣ ದ್ವೇಷ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇರುವಣ್ಣ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗ ಬಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಣ್ಣ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮರೆತೆಯಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣ ಮಹಾರಾಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆಯದಾರ ನೀನಣ್ಣ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನದು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸು ಅಣ್ಣ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮರೆಯಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಬೈದವರೆನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಹೊಡೆದವರೆನ್ನ ಹೊರೆದವರು ಎನ್ನುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸು ಅಣ್ಣ ಇವ ನಮ್ಮವ ಮರೆಯಣ್ಣ ಕುಲ ಬಡಿದಾಡಬೇಡಣ್ಣ ಮಾನವ ಕುಲ ಒಂದೇ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಣ್ಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗವು ಗೆಲ್ಲವು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಅಣ್ಣ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರು ನೀನನ್ನ ಅವ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ ಅಣ್ಣ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣ. ಈ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಅಣ್ಣ. ಬೇರೆಯವರ ಚಿಂತೆ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ? ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಅಣ್ಣ. ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವರಂತೆ ಜೀವಿಸು ಅಣ್ಣ. ನಾಳೆ ಸತ್ತರೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಮಂದಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಲು ಅಣ್ಣ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನಿನ್ನಣ್ಣ ಅವ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಅಣ್ಣ. मधु करने जा रहा हूँ आगे में विरामों शहर एक मिट्टी ऐसी है जो फकर करती है हर चीज हर पल यहाँ पर पनपता है कि ऐसे ऐसे जो है हिंद यहाँ से निकलते हैं बेहतरीन मुकर बेहतरीन शायर एक बेहतरीन मोटिवेटर मेरे बड़ा था कि माँ साहब से मैं السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلع اس طرح ہے، ایک سوداگر سے ہم بن بیٹھے ہیں سودائی، ایک سوداگر سے ہم بن بیٹھے ہیں سودائی، تب ہاتھ تھا سرمایہ اب ہاتھ ہے تنہائی، تب ہاتھ تھا سرمایہ اب ہاتھ ہے تنہائی. ایمان کی حرارت سے احرار تو غافل ہیں، تب ہاتھ تھا سرمایہ اب ہاتھ ہے تنہائی، ایمان کی حرارت سے احرار تو غافل ہیں، ایمان نے غلاموں کی زنجیر ہے پگھلائی، ایمان نے غلاموں کی زنجیر ہے پگھلائی، ایمان نے غلاموں کی زنجیر ہے پگھلائی. شمشیر بکف ناداں حائل ہو میرے آگے، شمشیر بکف ناداں حائل ہو میرے آگے، کبھی تیغ زنی تجھ کو ہم ہی نے تھی سکھلائی، کبھی تیغ زنی تجھ کو ہم ہی نے تھی سکھلائی. شمشیر بکف ناداں حائل ہو میرے آگے، شمشیر بکف ناداں حائل ہو میرے آگے، کبھی تیغ زنی تجھ کو ہم ہی نے تھی سکھلائی. ہم اہل بصارت کو تو اہل بصیرت کر، ہم اہل بصارت کو تو اہل بصیرت کر، صرف آنکھ کے ہونے سے آتی نہیں بینائی، صرف آنکھ کے ہونے سے آتی نہیں بینائی، آتی نہیں بینائی. ہم اہل بصارت کو، ہم اہل بصارت کو تو اہل بصیرت کر، صرف آنکھ کے ہونے سے آتی نہیں بینائی. اس عالم فانی میں نالاں تو کوئی شاداں، اس عالم فانی میں نالاں تو کوئی شاداں، ماتم ہے کسی گھر میں، کسی گھر میں ہے شہنائی، ماتم ہے کسی گھر میں، کسی گھر میں ہے شہنائی. اس عالم فانی میں نالاں تو کوئی شاداں، ماتم ہے کسی گھر میں، کسی گھر میں ہے شہنائی. یہ شعر بطور خاص سنیں، میرے نزدیک یہ شعر بیت الغزل ہے. یہ شعر سنیں کہ کسی گھر میں ہے شہنائی، جو وقت کو سمجھے تھے ایک کھیل تماشا ہے، جو وقت کو سمجھے تھے ایک کھیل تماشا ہے، صرف آنکھ کے ہونے سے آتی نہیں بینائی، جو وقت کو سمجھے تھے ایک کھیل تماشا ہے، وہ آج تماشا ہے اور وقت تماشائی، وہ آج تماشا
तमाशा है। जो वक्त को समझे थे, जो वक्त को समझे थे एक खेल तमाशा है। क्या शेर है साहब? जो वक्त को समझे थे एक खेल तमाशा है, वो आज तमाशा है और वक्त तमाशाई। वो आज तमाशा है और वक्त तमाशाई। हकीकत है साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने। मक्ता इस तरह है, कहलाते हैं दाना भी, कहलाते हैं दाना भी और रब से तगाफुल भी, कहलाते हैं दाना भी और रब से तगाफुल भी। हम्माद जुनू बेहतर जब ऐसी हो दानाई, हम्माद जुनू बेहतर जब ऐसी हो दानाई। कहलाते हैं दाना भी और रब से तगाफुल भी, कहलाते हैं दाना भी और रब से तगाफुल भी। हम्माद जुनू बेहतर जब ऐसी हो दानाई, ऐसी हो दानाई। क्या गजल है साहब, क्या शायरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा साहब, बहुत बेहतरीन शायरी। दूसरी गजल की तरफ पढ़ते हैं, और इस गजल का जो रदीफ है वो है समझ से मेरे बाहर है। अरे समझ से मेरे बाहर है, पिछले महीने समझ से मेरे बाहर है रदीफ। पिछले महीने खाकसार को जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में बहैसियत शायर मधु किया गया था, तो वहाँ ये गजल मैंने पढ़ी है, तो अब आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अदावत का यहाँ मौसम समझ से मेरे बाहर है, अदावत का यहाँ मौसम समझ से मेरे बाहर है, है लगते क्यों सभी बरहम समझ से मेरे बाहर है। लगते क्यों सभी बरहम समझ से मेरे बाहर है, लगते क्यों सभी बरहम समझ से मेरे बाहर है। मैं समझा था कि गम होता नहीं है अहले दौलत को, मैं समझा था कि गम होता नहीं है अहले दौलत को, है उनकी आंख भी पूर्णम समझ से मेरे बाहर है, है उनकी आंख भी पूर्णम समझ से मेरे बाहर है। मैं समझा था कि गम होता नहीं है अहले दौलत को, है उनकी आंख भी पूर्णम समझ से मेरे बाहर है। ये शेर देखें कि कोई पूछे तो क्या बोलूं कि तुम लगते हो क्या मेरे, कोई पूछे तो क्या बोलूं कि तुम लगते हो क्या मेरे। हमारा रब्त ये बाहम समझ से मेरे बाहर, हमारा रब्त ये बाहम समझ से मेरे बाहर। कोई पूछे तो क्या बोलूं कि तुम लगते हो क्या मेरे, हमारा रब्त ये बाहम समझ से मेरे बाहर है। जिसे खालिक के दर पर ही था झुकना वो तुम्हारा सर, जिसे खालिक के दर पर ही था झुकना वो तुम्हारा सर। दरे मखलूक पर है खम समझ से मेरे बाहर, जिसे खालिक के दर पर ही, जिसे खालिक के दर पर ही था झुकना वो तुम्हारा सर। दरे मखलूक पर है खम समझ से मेरे बाहर है, दरे मखलूक पर है खम समझ से मेरे बाहर है। क्या शायरी है, क्या कमाल है। कुरेदा तुम तो करते थे, दरे मखलूक पर है खम समझ से मेरे बाहर है। कुरेदा तुम तो करते थे मेरे जख्मों को और उन पर, कुरेदा तुम तो करते थे मेरे जख्मों को और उन पर, अचानक आज ये मरहम कुरेदा तुम तो करते थे, कुरेदा तुम तो करते थे मेरे जख्मों को उन पर, अचानक आज ये मरहम समझ से मेरे बाहर है। अचानक आज ये मरहम समझ से मेरे बाहर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समझ से मेरे बाहर है। मुअम्मे सारी दुनिया के समझ में आ गए लेकिन, मुअम्मे सारी दुनिया के समझ से, अचानक आज ये मरहम समझ से मेरे बाहर है। मुअम्मे सारी दुनिया के समझ में आ गए लेकिन, तेरी जुल्फों का पेचो खम समझ से मेरे बाहर है। मुअम्मे
मुअम्मे सारी दुनिया के समझ में आ गए, लेकिन तेरी जुल्फों का पेचो खम समझ से मेरे बाहर है। बहुत शुक्रिया। मुअम्मे सारी दुनिया के समझ में आ गए, लेकिन तेरी जुल्फों का पेचो खम समझ से मेरे बाहर है। तुम्हारा नाम भी शामिल है मेरे कातिलों में जब, तुम्हारा नाम भी शामिल मेरे कातिलों में जब है मेरे कातिलों में जब, तुम्हारा नोहा ओ मातम तुम्हारा नाम भी शामिल है मेरे कातिलों में जब, तुम्हारा नोहा ओ मातम, तुम्हारा नोहा ओ मातम समझ से मेरे बाहर है। ये तीर कहाँ कहाँ लग रहा है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नोहा ओ मातम समझ से मेरे बाहर है। हैं कितने काम अभी बाकी, कहाँ फुर्सत है एक पल भी, हैं कितने काम अभी बाकी, कहाँ फुर्सत है एक पल भी। तुम्हारा बिस्तरे रेशम, तुम्हारा बिस्तरे रेशम समझ से मेरे बाहर है। हैं कितने काम अभी बाकी, कहाँ फुर्सत है एक पल भी, तुम्हारा बिस्तरे रेशम समझ से मेरे बाहर है। तुम्हारा बिस्तरे रेशम समझ से मेरे बाहर है। आखिरी शेर है, तुम्हारी बात कितनी ही मुनासिब तुमको लगती हो, तुम्हारी बात कितनी ही मुनासिब तुमको लगती हो, तुम्हारी बात मगर हमदम समझ से मेरे बाहर है। तुम्हारी बात मगर हमदम समझ से मेरे बाहर है। तो अगर एक गजल की इजाजत हो तो मैं पढूं। ये आखिरी गजल, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो इसीलिए। बहुत शुक्रिया। गजल देखें, वक्त के साथ तू सदमों से उभर जाएगा, वक्त के साथ तू सदमों से उभर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है। वक्त के साथ तू सदमों से उभर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। जब्त की कैद से खुद को, जब्त की कैद से आजाद वो खुद को करके, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। जब्त की कैद से आजाद वो खुद को करके, अब के जी भर के ना रोएगा तो मर जाएगा, अब के जी भर के ना रोएगा तो मर जाएगा। वक्त के साथ हर एक जख्म तो भर जाएगा, वक्त के साथ हर एक जख्म तो भर जाएगा। जख्म जाएगा मगर दाग किधर जाएगा, जख्म जाएगा मगर दाग किधर जाएगा, जख्म जाएगा मगर दाग किधर जाएगा। देखकर एक जनाजे को लगा है ऐसे, देखकर एक जनाजे को लगा है ऐसे, जैसे मजदूर कोई शाम को घर जाएगा। बहुत शुक्रिया कि देखकर एक जनाजे को लगा है ऐसे, देखकर एक जनाजे को लगा है ऐसे, जैसे मजदूर कोई शाम को घर जाएगा। दिल के जख्मों को दिखा भी दें तेरे कहने पर,
दिल के जख्मों को दिखा भी दे तेरे कहने पर, जख्म को देख के डर है कि तू डर जाए, जख्म को देख के डर है कि तू डर जाएगा। बहुत प्यारा ये सब, बहुत अच्छा। तीर वो तीर नहीं, तीर वो तीर नहीं, तीर नहीं जब वो कमा से निकले, तीर वो तीर नहीं जब वो कमा से निकले, करना जो तीर कोई चाक जिगर जाएगा, करना जो तीर कोई चाक जिगर जाएगा। अब यहाँ पर बैतुल गजल आ रही है, देखें। करना जो तीर कोई चाक जिगर जाएगा, इज्जत नफ्स को जिस शहर में ठोकर पहुंचे, इज्जत नफ्स को जिस शहर, इज्जत नफ्स को जिस शहर में ठोकर पहुंचे, करना जो तीर कोई चाक जिगर जाएगा, इज्जत नफ्स को जिस शहर में ठोकर पहुंचे, बांधा उस शहर से फिर रखते सफर जाएगा, बांधा उस शहर से फिर रखते सफर जाएगा, बांधा उस शहर से फिर रखते सफर जाएगा। चाहे दुनिया हो मुखालिफ मैं उधर जाऊंगा, चाहे दुनिया हो मुखालिफ मैं उधर जाऊंगा, साथ लेकर मेरा दिल मुझको जिधर जाएगा, साथ लेकर मेरा दिल मुझको जिधर जाएगा। मक्ता सुनिए के साथ लेकर मेरा दिल मुझको जिधर जाएगा, इतने दिल से ना सुनो उसके हसीन शेरों को, इतने दिल से ना सुनो उसके हसीन शेरों को, वरना हम मात तो फिर दिल में उतर जाएगा। शायरी हो रही थी वाकई में एक ही शेर पर जो है मुझे तो इजाजत है से सुनिएगा, मतलब हाजिर है। हर किसी से मिला नहीं करते, हर किसी से मिला नहीं करते, वक्त सबको दिया नहीं करते, जो बुरे हैं भला नहीं करते, जो भले हैं बुरा नहीं करते। शुक्रिया। खुद जो बुरे हैं भला नहीं करते, जो भले हैं बुरा नहीं करते, जो मुनाफिक की चाल चलते हैं, जो मुनाफिक की चाल चलते हैं, वो किसी से वफा नहीं करते। जो मुनाफिक की चाल चलते हैं, वो किसी से वफा नहीं करते। आगे बढ़ना है बढ़ते जाओ तुम, आगे बढ़ना है बढ़ते जाओ तुम, चलते चलते रुका नहीं करते। लोग पागल समझने लगते हैं, लोग पागल समझने लगते हैं, रोते रोते हंसा नहीं करते, रोते रोते हंसा नहीं करते। इनकी होगी कबूल कैसे दुआ, इनकी होगी कबूल कैसे दुआ, जब वो दिल से किया नहीं करते। इनकी होगी कबूल कैसे दुआ, जब वो दिल से किया नहीं करते।
जिनके दिल आईने के जैसे हैं, जिनके दिल आईने के जैसे हैं, वो कभी भी खता नहीं करते। जिनके दिल आईने के जैसे हैं, वो कभी भी खता नहीं करते। इसमें शबनम का खून भी शामिल, इसमें शबनम का खून है शामिल। फूल यूं ही खिला नहीं करते, फूल यूं ही खिला नहीं करते। हाँ, तस्वुर में आपको महरू, अपने दिल से जुदा नहीं करते। तो एक गजल है, तगजल जो निस्वानी कैफियत बयान करती है। इन्हें अब भूल जाना चाहती हूँ, इन्हें अब भूल जाना चाहती हूँ, इन्हें अब भूल जाना चाहती हूँ, इन्हें अब भूल जाना चाहती हूँ। मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहती हूँ। कदूरत को मिटा कर दो दिलों की, कदूरत को मिटा कर दो दिलों की, कदूरत को मिटा कर दो दिलों की। मोहब्बत को बढ़ाना चाहती हूँ, मोहब्बत को बढ़ाना चाहती हूँ। जगा दे कर मैं तुझको अपने दिल में, जगा दे कर मैं तुझको अपने दिल में, जगा दे कर मैं तुझको अपने दिल में। तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, मैं तेरी हूँ सदा तेरी रहूँगी, मैं तेरी हूँ सदा तेरी रहूँगी, मैं तेरी हूँ सदा तेरी रहूँगी। यकीन तुझको दिलाना चाहती हूँ, यकीन तुझको दिलाना चाहती हूँ। सवेरा हो गया उठ जाओ कहकर, सवेरा हो गया उठ जाओ कहकर, सवेरा हो गया उठ जाओ कहकर। मैं खुद को ही जगाना चाहती हूँ, मैं खुद को ही जगाना चाहती हूँ। ये दुनिया और ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया और ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया और ये दुनिया की मोहब्बत। बस अब दिल से मिटाना चाहती हूँ, बस अब दिल से मिटाना चाहती हूँ। कोई सरगोशियाँ सुन ले न महरू, कोई सरगोशियाँ सुन ले न महरू, कोई सरगोशियाँ सुन ले न महरू। इशारों में बताना चाहती हूँ, इशारों में बताना चाहती हूँ।
पेश कर रहे थे और काफी होता चला जा रहा है या सारे शोशायर के पास है नमाज से इशारा है तो अपनी ऊपर दिया जा रहा है जैसे इस बात का क्या बैठे बल्कि उनसे दो जो है शोशाग्राम यहाँ पर आखिर में बचे हुए मेरी हदीश में जिनको आप सुनने के लिए मिला है स्वामी में किसी ईद छतरा में हो या कोई दीगर शहर में अपने कलाम का तो हम मानने का शख्सियत विचार है विचार जिस घर में रहता हूँ उस घर को भूल जाता हूँ जी सरे रात का सबको याद रखता हूँ तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि बड़े हमारे पीछे रहना इसीलिए सदर मुशायरा की इजाजत से एक गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाइए। मेरी आँखें है ये पूर्णम चले आओ चले आओ। मेरी आँखें है ये पूर्णम चले आओ चले आओ। उमड़ पड़ते हैं मेरे गम चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। उबर जाता नहीं मेरा उभर जाता नहीं मेरा ये दिल जख्मों की शिद्दत से लगाने जख्मों पे मरहम चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। सजाए बैठूं देखो मैं अपने खाने दिल को सजाए बैठूं देखो मैं अपने खाने दिल को चले आओ मेरे हमदम चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। इस शेर पर मखसूस तौर पर सभी तवज्जो करें। तुम्हें है वास्ता अपनी वफा का ऐ मेरे हमदम तुम्हें है वास्ता
अपनी वफा का, ऐ मेरे हमदम निकल जाए न मेरा दम, चले आओ चले चले आओ चले आओ, मेरी आँखें हैं ये पूर्णम, चले आओ चले आओ, सदाएं देती है तुमको बहारें, झूम के अब यूं सदाएं, सदर साहब सदाएं देती है तुमको बहारें, झूम के अब यूं बदल जाए न ये मौसम, चले सदाएं देती है तुमको बहारें, झूम के अब यूं बदल जाए न ये मौसम, चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। मक्ता अर्ज है, खुदारा मान भी जाओ यूं रूठो तुम न मोमिन से, खुदारा मान भी जाओ यूं रूठो तुम न मोमिन से, वफा तुम से न होगी कम, चले आओ चले आओ, मेरी आँखें है ये पूर्णम, चले आओ चले आओ, उमड़ पड़ते हैं मेरे गम, चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। यूं जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे बगैर जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूँ। और बेशुमार हो और इतनी देरी में लगा ये ना हो कहीं तू आ चुका हो तेरा इंतजार, ये दोनों तरह के डॉक्टर है, दोनों मस्त का इलाज करते हैं। शुक्रिया। बेहतरीन मुशायरा, बेहतरीन महफिल, बेहतरीन शोरा, बेहतरीन सामी,
जिंदाबाद जिंदाबाद मुबारकबाद मुबारकबाद। बहुत अच्छा बात। सदरे मुशायरा की इजाजत से एक तहतुल लफ्ज में जफा की है चली हवा। जफा की है चली हवा। जफा की है चली हवा वफा का वो मिलन कहाँ। जफा की है चली हवा वफा का वो मिलन कहाँ। वफा का वो मिलन कहाँ। है दिल अदू भरा है दिल अदू भरा खुलूस का वो चलन का। खुलूस का वो चलन का। इदारे अदब की असर। जफा की है चली हवा वफा का वो मिलन कहाँ। है दिल अदू भरा खुलूस का वो चलन कहाँ। है सब तो दिल जले मियाँ। है सब तो दिल जले मियाँ सुकून की चाह में यहाँ। है सब तो दिल जले मियाँ सुकून की चाह में यहाँ। तपे जहाँ में जो कदम कदम जबी पे उनके शिकन कहाँ। जबी पे उनके शिकन कहाँ। जफा की है चली हवा वफा का वो चलन कहाँ। घनी अमास की जो रात है घनी अमास की जो रात है सहर के ताक में जुटी। घनी अमास की जो रात है सहर के ताक में जुटी। यूं हर तरफ सियाई छाई यूं हर तरफ सियाई छाई वो जो है किरण कहाँ। वो जो है किरण कहाँ। जफा की है चली हवा वफा का वो चलन कहाँ। हसीन ख्वाब के भरम में हसीन ख्वाब के भरम में सब गड़े हुए हैं हम। हसीन ख्वाब के भरम में सब गड़े हुए हैं हम। ये कैसी जो अदब में है हया की पैरहन कहाँ। हया की पैरहन कहाँ। शुक्रिया। हसीन ख्वाब के भरम में सब गड़े हुए हैं हम। ये कैसी जो अदब में है हया की पैरहन कहाँ। हया की पैरहन कहाँ। मक्ते प्यारा हम खता खता करे है जो खता खता करे है जो उसी की हाथ में है डोर। खता खता करे है जो उसी के हाथ में है डोर। अमीर जी भरोसे के वतन में है सुमन कहाँ। अमीर जी भरोसे के वतन में है सुमन कहाँ। जफा की है चली हवा वफा का वो चलन कहाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम इजलास। हज़रात एक शेर बना है वो आपकी नज़र करते हुए गज़ल की तरफ बढ़ूँगा। खिरद खिरदमंद कहते हैं अक्लमंद या समझदार अक्ल वाला जिसे। उस पर मैंने एक शेर हुआ है वो आपकी नज़र करना चाहता हूँ। खिरदमंदों की महफिल में है चर्चा बेवकूफ़ों का। खिरदमंदों की महफिल में है चर्चा बेवकूफ़ों का। अगर ये है खिरदमंदी
तो फिर क्या बेवकूफी है? अगर यह है खैरतमंदी तो फिर क्या बेवकूफी है? तो इस शेर के साथ मैं अपनी गजल की तरफ बढ़ूंगा। हजरत पहले तहत में एक गजल, फिर उसके बाद तरन्नुम में एक गजल। तेरे अतवार जो बदले हैं, तेरे अतवार जो बदले हैं, असर किसका है? तेरे अतवार जो बदले हैं, असर किसका है? तू जो घायल हुआ है, तू जो घायल हुआ है, तीरे नजर किसका है? तेरे अतवार जो बदले हैं, असर किसका है? तू जो घायल हुआ है, तीरे नजर किसका है? तू ना वाकिफ था कभी इश्क की दुनिया से, मगर तू ना वाकिफ था कभी इश्क की दुनिया से, मगर जिक्र होठों पे तेरे शाम और सहर किसका है? जिक्र होठों पे तेरे शाम और सहर किसका है? तेरे कूचे से गुजरते हुए जो ही मैं मुड़ू, तेरे कूचे से गुजरते हुए जो ही मैं मुड़ू, शक से सब पूछते हैं, सब शक से सब पूछते हैं मुझसे ये घर किसका है? शक से सब पूछते हैं मुझसे ये घर किसका है? तेरे कूचे से गुजरते हुए जो ही मैं मुड़ू, शक से सब पूछते हैं मुझसे ये घर किसका है? इरशाद मैं बता नहीं सकता, भरी महफिल में कैसे बता दूं। तो हजरत अगला शेर आपकी नजर मुझ गुनहगार पे। अब अगले शेर में आप समझ लीजिएगा, मुझ गुनहगार पे भी उसकी इनायत हर दम, मुझ गुनहगार पे, मुझ गुनहगार पे भी उसकी इनायत हर दम। तुम्हें लोगों ये न पूछो कि वो दर किसका है, तुम्हें लोगों वो ये न पूछो कि वो दर किसका है। समझ गए आप? समझ गए साहब? जवाब भी मिल गया आसिफ साहब को। मुझ गुनहगार पे भी उसकी इनायत हर दम, मुझ गुनहगार पे भी उसकी इनायत हर दम। तुम्हें लोगों ये ना पूछो कि वो दर किसका है, तुम्हें लोगों ये ना पूछो कि वो दर किसका है। मक्ता अर्ज करने जा रहा हूं, सुनिए हजरात मक्ता आपके नजर गौर से सुनिए। अब तो ये वक्त भी था देखना मुझको ऐ नवाज, अब तो ये वक्त भी था देखना मुझको ऐ नवाज। खुद जो डरपोक है कहता है कि डर, सुन लीजिएगा। अब तो ये वक्त भी था देखना मुझको ऐ नवाज, अब तो ये वक्त भी था देखना मुझको ऐ नवाज। खुद जो डरपोक है कहता है कि डर किसका है, खुद जो डरपोक है कहता है कि डर किसका है। अब एक और गजल तरन्नुम के साथ, बिलखुसूस हमारे एसके साहब की कतीब शिपाही साहब का एक मिसरा है, गजल है, उसका एक मिसरा था, परेशान रात सारी है और रदीफ यूं था कि सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है सितारों तुम तो सो जाओ। मैंने इस मिसरे को इस तरह से लिखा है मतले में, सितारों तुम तो सो जाओ परेशान रात सारी है। तो अगली गजल आपकी नजर, सितारों तुम तो सो जाओ परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ
परेशान रात सारी है, उफक पर मुंतजिर नजरें जुनूने इश्क तारी है, उफक पर मुंतजिर नजरें जुनूने इश्क तारी है। इस गजल को जू मानों में लीजिएगा, हाथी की और मजाजी दोनों तरह से आप मजा ले सकते हैं। ये तन्हाई में तड़पाती है मुझको वसल की चाहत, ये तन्हाई में तड़पाती है मुझको वसल की चाहत, लबों पे जिक्र उल्फत है तो दिल में बेकरारी है, लबों पे जिक्र उल्फत है तो दिल में बेकरारी है। अगला शेर आपकी नजर करने जा रहा हूं। अदावत अपनी फितरत से ही करके मैंने ऐ हमदम, अदावत अपनी फितरत से ही करके मैंने ऐ हमदम, तुझे पाने की खातिर देख ले दुनिया ये हारी है, तुझे पाने की खातिर देख ले दुनिया ये हारी है, अदावत अपनी फितरत से ही करके मैंने ऐ हमदम, तुझे पाने की खातिर देख ले दुनिया ये हारी है, तुझे पाने की खातिर देख ले दुनिया ये हारी है। हजरात बड़े अच्छी तरीके से आप सुन रहे हैं। अगला शेर भी उम्मीद है कि आपको पसंद आए। है जुल्म इश्क हर जानिब, है जालिम भी कई लेकिन, है जुल्म इश्क हर जानिब है जालिम भी कई लेकिन, है जुल्म इश्क भर जानिब है जालिम भी कई लेकिन, कभी बारी तुम्हारी है कभी बारी हमारी है, कभी बारी तुम्हारी है कभी बारी हमारी है। मक्ता अर्ज करने जा रहा हूं। लुटा देता है जिस्मो जान, हक पर है नवाज ऐसा, लुटा देता है जिस्मो जान हक पर ही नवाज ऐसा, लुटा देता है जिस्मो जान हक पर ही नवाज ऐसा,
करें गर बात हक की तो, करें गर बात हक की तो रकीबों से भी यारी है, करें गर बात हक की तो रकीबों से भी यारी है, लुटा देता है जिस्मो जान हक पर है नवाज ऐसा, करें गर बात हक की तो रकीबों से भी यारी है, सितारों तुम तो सो जाओ परेशान रात सारी है, उफक पर मुंतजर नजरें जुनून इश्क तारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, जज़ाकअल्लाह। आप ही से मुशायरा है मोहतरम। सामईन जो शेर पे मजरात हैं, आप ही से मुशायरा होता है। अगर शायर को ही कोई नहीं समझे तो वो शेर शेर कहाँ होता है। तो दोबारा वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। खिरदमंदों की महफिल में है चर्चा बेवकूफों का, खिरदमंदों की महफिल में है चर्चा बेवकूफों का, अगर ये है खिरदमंदी तो फिर क्या बेवकूफी है, अगर ये है खिरदमंदी तो फिर क्या बेवकूफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वाकई सिनामदार साहब आज जो मुशायरा रहा बहुत शानदार रहा, बहुत मियारी रहा, और आज तो दिल खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। और हर एक शायर अपना जो कलाम किया वाकई में बहुत ही मियारी रहा, तो मैं भी तब तो सदर साहब की चाय से एक नातिया खिता है पेश कर रहा हूँ। अगर जन्नत में बस जाते तो फिर दुनिया में क्या होता, अगर जन्नत में बस जाते तो फिर दुनिया में क्या होता, अगर गंदम नहीं खाते तो फिर दुनिया में क्या होता। अगर जन्नत में बस जाते तो फिर दुनिया में क्या होता, अगर गंदम नहीं खाते तो फिर दुनिया में क्या होता। खुदा रहमत बनाकर उनको दुनिया में उतारा है, खुदा रहमत बनाकर उनको दुनिया में उतारा है, अगर आका नहीं आते तो फिर दुनिया में क्या होता, अगर आका नहीं आते तो फिर दुनिया में क्या होता। और एक किताब, आलिम भी मिलेगा तुझे, जाहिल भी मिलेगा,
आलिम भी मिलेगा तुझे जाहिल भी मिलेगा, कोई है अगर चुस्त तो काहिल भी मिलेगा, कोई है अगर चुस्त तो काहिल भी मिलेगा, कश्ती के मुसाफिर तुला तूफान से घबरा, कश्ती के मुसाफिर तुला तूफान से घबरा, हिम्मत है अगर तुझ में तो साहिल भी मिलेगा, हिम्मत है अगर तुझ में तो साहिल भी मिलेगा, आलिम भी मिलेगा तुझे जाहिल भी मिलेगा, कोई है अगर चुस्त तो काहिल भी मिलेगा, कश्ती के मुसाफिर तुला तूफान से घबरा, हिम्मत है अगर तुझ में तो साहिल भी मिलेगा। और यह खिताब खास तौर पर तवज्जो चाहता हूँ कि अफकार वो बुजुर्गों के भी याद कीजिए, अफकार वो बुजुर्गों के भी याद कीजिए, यूं अपनी जिंदगी को न बर्बाद कीजिए, अफकार वो बुजुर्गों के भी याद कीजिए, यूं अपनी जिंदगी को न बर्बाद कीजिए, कुछ भूखे पैसे मरते हैं इंसान यहाँ भी, कुछ भूखे पैसे मरते हैं इंसान भी यहाँ, मजबूर बेसहारा की इमदाद कीजिए, मजबूर बेसहारा की इमदाद कीजिए। और ये खिताब पर मैं खास तवज्जो चाहता हूँ, अल्फाज सीधे सादे हैं, अल्फाज सीधे सादे हैं, मजमून बोल रहा, अल्फाज सीधे सादे हैं, मजमून बोलता, दादे सुकन पर हर कोई ममनून बोलता, दादे सुकन पे हर कोई ममनून बोलता है, इस देश का तो तूने तमाशा बना दिया, इस देश का तो तूने तमाशा बना दिया, आखिरी मिसरे पे तवज्जो चाहता हूँ कि इस देश का तो तूने तमाशा बना दिया, खामोश क्यों है क्यों नहीं कानून बोलता, खामोश क्यों है क्यों नहीं कानून बोलता, इस देश का तो तूने तमाशा बना दिया, खामोश क्यों है क्यों नहीं कानून बोलता। ए गजल चंद अशआरे इस गज़ल की के मेरे अदू से मेरा भी रिश्ता करीब से भी करीब निकला, मेरे अदू से मेरा भी रिश्ता करीब से भी करीब निकला, जो मेरे दिल में बसा हुआ था वही थे और रकीब निकला, मेरे अदू से मेरा भी रिश्ता करीब से भी करीब निकला, जो मेरे दिल में बसा हुआ था वही तो मेरा रकीब निकला, मेरा भी यारो कसूर क्या है, मेरा भी यारो कसूर क्या है, इसे भी परखा उसे भी परखा, मेरा भी यारो कसूर क्या है इसे भी परखा उसे भी परखा, जिसे समझता था पारसा मैं वही तो यारो मईब निकला, जिसे समझता था पारसा मैं वही थी यारो मईब निकला। और ऐसे दिखे के करे भरोसा बताओ किस पर, करे भरोसा बताओ किस पर, गरज परस्ती का है जमाना, बताओ यारो करे भरोसा बताओ किस पर, गरज परस्ती का है जमाना, जो है मुहाफिज वही लुटेरे, जो है मुहाफिज वही लुटेरे, ये सिलसिला भी अजीब निकला, जो है मुहाफिज वही लुटेरे, ये सिलसिला भी अजीब निकला। और एक खास तवज्जो है आज के खुतबा और शुरा के हालात के बारे में कि नहीं था उसका मकान पक्का, नहीं था उसका मकान पक्का, नहीं था घर में कोई भी सामान, नहीं था उसका मकान पक्का, नहीं था कोई, नहीं था घर में कोई भी सामान, जो घर को आया थका थका सा वही तो मेरा वही बेचारा अदीब निकला, वही बेचारा अदीब निकला,
और आखिरी शायर के कभी मोहब्बत भी की थी मैंने, कभी मोहब्बत की थी मैंने हसीन लम्हों का भी साथ, कभी मोहब्बत भी की थी मैंने हसीन लम्हों का साथ भी था, बिछड़ गया हम सफर मुझसे ये कैसा मेरा नसीब निकला, बिछड़ गया हम सफर मुझसे ये कैसा मेरा नसीब निकला। अशार तो हो गए, लेकिन जो हालात आज अशार सुनाए गए उसी के मुताबिक एक गजल छोटी सी इशारा करना चाहता हूँ कि काम अपना छोड़कर आ जाइए, काम अपना छोड़कर आ जाइए, ऐसे ही अपना होता चले जाएंगे, काम अपना छोड़कर आ जाइए, याद करता है बिसर आ जाइए, काम अपना छोड़कर आ जाइए, याद करता है पिसर आ जाइए, हम तरसते हैं तुम्हारी दीद को, हम तरसते हैं तुम्हारी दीद को, बैठे हैं दिल थाम कर आ जाइए, हम तरसते हैं तुम्हारे दीद को, बैठे हैं दिल थाम कर आ जाइए, और छोड़ कर बेकार अपने मशगले, छोड़ कर बेकार अपने मशगले, अब तो सीधी राह पर आ जाइए। छोड़कर अपने मशगले, छोड़कर बेकार अपने मशगले, अब तो सीधी राह पर आ जाइए। और ये शेर देखिए कि हम भी करते हैं मोहब्बत आपसे, हम भी करते हैं मोहब्बत आपसे, अब हमें किसका डर आ जाइए, अब हमें किसका डर आ जाइए, और फूल पत्ते बेल बूटे बाग में, फूल पत्ते बेल बूटे बाग में है तुम्हारे मुंतजर आ जाइए, है तुम्हारे मुंतजर आ जाइए। और ये शेडी के छोड़ दो अब ये तकल्लुफ जामिरी, छोड़ दो अब ये तकल्लुफ जामिरी, आपका अपना है घर आ जाइए, छोड़ दो अब ये तकल्लुफ जा मेरी, आपका अपना है घर आ जाइए। और मैं मक्ते पे आ रहा हूँ, मैं वही सोचा, वही मैं मक्ते में सरदार से बुला रहा हूँ, आप इसको देखिए, आप इस पे गौर कीजिए। और मक्ता है, आप हैं महमूद बेशक लाजवाब, आप हैं महमूद बेशक लाजवाब, हम भी रखते हैं उधर आ जाइए, ये हमारी गजल है, आप तो बोलो आप हैं महमूद बेशक लाजवाब, आप हैं महमूद बेशक लाजवाब, हम भी रखते हैं हुनर आ जाए। इंसान को सुकून मस्जिद में ही मिलता है, लेकिन मैं तो जाकर देखिए इंसान को, इंसान बुद्धों को भी सुकून मस्जिद में मिलता है। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی معزز
नायब सदर मुशायरा मोहतरम अमीरुद्दीन डॉक्टर अमीरुद्दीन काजी साहब, सेक्रेटरी इदारा अदब इस्लामी हिंद मोहतरम आसिफ बाल सिंह साहब, नाजिमी इजलास मोहतरम सैफ ओटी साहब, तमाम शुराए इकराम, सामईन हजरात, बड़ी मसरत हो रही है, मुझे ही नहीं बल्कि आपको भी हो रही होगी, क्योंकि आज का जो मुशायरा है उसकी ज़मानत के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ही कहूँ, क्योंकि तमाम तर आप लोगों ने ज़मानत दे दी है कि आज का जो मुशायरा है वो वाकई में कामयाब रहा। हजरात, जिस तरह से ज़बान एक वसीला होती है जज्बात व एहसासात को बयान करने के लिए, या तो वो बिर्रास्त तौर पर होता है या बवास्ता होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है, और शेर दोनों तरह का इम्तिजाज अपने अंदर समोए हुए हैं। और आप जानते हैं कि फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट है जौहर, और जौहर अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा शिद्दती तवानाई को महफूज रखे हुए हैं, और जिस तरह से वो शिद्दती तवानाई को अलग किया जाता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है, एक इंशकाक के ज़रिए वो फट पड़ता है और एक तवानाई एक रोशनी के साथ इखराज करता है। उसी तरह से आज के शोरा इकराम के जो भी कलाम है, जो भी अशार थे, उसी जौहर मानिंद जौहर की मानिंद थे। एक एक शेर जब आश्कार हो रहा था और इंशकाक पा रहा था तो एक तवानाई का इखराज हो रहा था जो होठों से निकलकर दिल की गहराई में बस रहा था। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? तो शुरा इकराम, सामई नजरात, और आज जो शायरी हो रही थी, मुझे ये कहते हुए बड़ी ही फख्र हो रहा है कि जो भी हमने हिदायतें सदारती खुतबे में दे रहे हैं अपनी जानिब से कि अपने अशार की इस्लाह करवा लें और शायरी में वो निखार पैदा करें, क्योंकि आपका मुशायरा सिर्फ शहर बीजापुर में देखा नहीं जा रहा है बल्कि बैनुल अक्वामी सतह पर आप आश्कार हो रहे हैं। तो तमाम शुरा इकराम को मुबारकबादी पेश करता हूँ इदारत इस्लाम हिंद की जानिब से। और एक और बात आपको बताते हुए, एक खुशखबरी देते हुए मैं अपने सदारती खुतबे को जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा कि 16 तारीख को इंशाअल्लाह, अगर आपको उस बात से आरास्ता किया जाएगा दावतनामे के ज़रिए, कि 16 तारीख को भी अनकरीब हमारी रियासती इदारत इस्लाम हिंद की जो एक हमारी जो आमिला की जो टीम है वो इंशाल्लाह यहाँ पर आएगी, तो उस वक्त भी एक मुशायरा रखने की उम्मीद है। तो आपको पहले ही वाज़ह कर बताता चलूँ कि इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन कलाम लिख कर लाए शोरा इकराम, और अपने साथ सामईन हजरात, जो भी शेर फहम सामईन हजरात, आप जैसे शेर फहम हजरात और उनके साथ आपके कई दोस्त अहबाब हैं, उनको भी साथ में लेकर आने की कोशिश करें। और ज़्यादा वक्त तूल न दूँगा कि तमाम शोरा इकराम और सामईन हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने आज का जो समा बांधा है, बिलखसूस अकील हम्माद से जो शुरुआत हुई और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बिलखसूस मुझे एक शेर बहुत ही मेरे दिल की गहराई को छू गया जो अकील हम्माद साहब का था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो वक्त को समझे थे एक खेल तमाशा है, जो वक्त को समझे थे कि एक खेल तमाशा है, वो आज तमाशा है और खेल तमाशाई, वो आज तमाशा है और खेल तमाशाई। वाकई में बेहतरीन मोहतरम, आपकी जो शायरी है वो आफाकी शायरी है, लिखते रही है, हमारी दुआएं इदारा अदब का ताउन आपके साथ है। तमाम शोरा इकराम भी, आप भी बेहतरीन से बेहतरीन कलाम लिखिए, और वाकई तमाम ने बेहतरीन अशार कहे, बेहतरीन अपना कलाम आज आपने पेश किया है। मैं तमाम को मुबारकबादी पेश करते हुए अपने सदारी के निमात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।
हमारे बाप इस महफिल में अफसाने बयान होंगे, हमारे बाप इस महफिल में अफसाने बयान होंगे, बाहर उनको ढूंढे नहीं, न जाने कहां होंगे।